बिना बात को घुमाए फिराए बोल देता हूं, 24 के चुनाव से पहले ना ग्रुप डी का एक और बहाली आएगा, और उस बहाली को निकालने से पहले सरकार पूरा हाथ खड़ा कर दिए, सरकार बोल दिए अब जो भी ग्रुप डी का भर्ती आएगा ना उसमें हमें आईटीआई चाहिए, कंपलसरी कर दिया है सरकार, ये भी बोल दी है। अब भर्ती आएगा तो बच्चे चिल्लाइएगा मत कि आईटीआई हटाइए आईटीआई हटाइए, सरकार पहले बोल दी है अब जो भी भर्ती निकलेगा उसमें आईटीआई हमें चाहिए। लेकिन 19 वाला जो फॉर्म फिलअप किए हैं ना ग्रुप डी वाला, उसमें आपको इस नोटिफिकेशन से थोड़ा भी प्रभावित नहीं होगा, यानी जैसे आप फॉर्म फिलअप किए थे 19 वाला ना आप ठीक आराम से एग्जाम दे पाओगे। लेकिन 24 के पहले फिर वैकेंसी आएगा बाबू 30-40 हजार जो भी आएगा, लेकिन उसमें आईटीआई कंपलसरी कर दिया है आज तक। और ये भी जानते हो आप सभी ना कि भैया 19 वाला जो भर्ती निकला है ना भैया, उसमें आप ये मानकर चल लिए ना भैया कि 80% जो फॉर्म फिलअप किया गया था 19 में, 80% छात्र के पास ना आईटीआई का डिग्री है ही नहीं। मैं बोलूंगा सटीक बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भैया ऐसा सरकार क्यों कर रही है? आज तक तो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आईटीआई नहीं मांगा। आपको जो सोचना है बाबू, आप ये भी सोच सकते हो भैया सरकार उतना भर्ती नहीं निकालेगा क्या, उतना नौकरी नहीं देगा, सोच लीजिए भैया। इस सरकार उतना छात्रों का एग्जाम करवाने में सक्षम नहीं, सोच लीजिए, जो सोचना है सोच लीजिए। सरकार पहले हाथ खड़ा कर दी है कि बाबू अब जो भी ग्रुप डी का भर्ती निकलेगा उसमें आईटीआई हमको चाहिए, और ये बात हम पहले बोल दिए हैं, बाद में हमारा दोष कोई मत देना, सरकार पूरा हाथ खड़ा कर दी है, ठीक है? इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वाला जो चांस है ना बाबू लास्ट चांस है। इस बार अपना क्षमता, अपना ऊर्जा, अपना टैलेंट, अपना दिमाग, जितना स्ट्रेटजी लगाना है सब लगा दो, ताकि ना ये मौका जाने के बाद अफसोस ना हो कि अगली भर्ती आएगी। अगली भर्ती में सरकार तो हाथ खड़ा कर दी है, बहुत ऐंच पैंच बहुत लगाएगी, क्योंकि इस 19 वाले फॉर्म के लिए बहुत संघर्ष किए हैं छात्र भी टीचर भी। तो इस बार ना अपना जितना जान जितना स्ट्रैटेजी है सब लगा दो आप सभी, ठीक है? और एक बात बता दूं आप सभी को, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद फोन में ना मात्र 199 में, 199 रुपए में ना आप सभी जो है ग्रुप डी का 80 पेपर, यानी पेपर सिर्फ नहीं किताब नहीं, 80 गो मॉक टेस्ट, जैसे एग्जाम में बैठ तो एग्जाम देते हो ना पूरा एगो पेपर का, वैसा 80 पेपर आपको मिलेगा। यानी आप 80 पेपर का एग्जाम दे सकते हैं, नंबर देख सकते हैं एग्जाम देने के बाद कितना नंबर आया, सॉल्यूशन देख सकते हैं आपका रैंक कितना है, तो 80 गो पेपर मिलेगा। इसके साथ साथ रीजनिंग का कोर्स का ना 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो, उसके साथ प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी, प्लस स्टैटिक जीके का पूरा पीडीएफ टॉपिक वाइज, ये सब हिंदी में मिलेगा मात्र 199 में, ठीक है? ये तो बता दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, ये वाला मौका अंतिम चांस है, तो इस बार जान लगा देना आप सभी लोग, जितने भी मेरे भाई बहन, सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चा, बाद में मत बोलना सरकार भैया नहीं बताई, सरकार का समर्थन हम ना करते हैं कभी, ठीक है? हम जनता के साइड होते हैं। अगर मैं भी, मीडिया का काम क्या है, एक टीचर का काम क्या है, छात्र जनता के साथ खड़ा रहो, सवाल पूछो, सरकार के साथ खड़े हो गए फिर तो वो अनाथ हो जाएंगे जनता ना। तो मेरा काम, मीडिया का काम क्या है, मीडिया काम तो करती नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा छात्र और जनता का खड़ा होता हूं, ठीक है? जय हिंद।